चलिए हाय दोस्तों, कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा यहाँ पे थर्सडे का दिन 4th ऑफ जान का 2024 का, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपोर्ट रहेंगे इस वीडियो में देखने वाले। चलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आप ले ला सकूँ। जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कीजिए, यहाँ पे फनी रील्स वगैरह जो एजुकेशन पर्पज वीडियो रहती है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद में अगर देखें तो जिन लोगों ने मेरे पे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से ट्विटर पे फॉलो कर दीजिए, जो भी एस्ट्रो टाइम रहते हैं मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। आज का एस्ट्रो टाइम था 10:10 AM और 1:20 PM, तो यहाँ पे मैंने आज किस तरह से का मोमेंटम आया उसके बारे में देखा। 10:10 के बाद एक अच्छा सा शार्प फॉल देखा, उसके बाद में 1:20 PM का जो टाइम था वहाँ पे एक रेंज बनाया, उस रेंज को जैसे ब्रेक करा तो डाउनफॉल देखने को मिला। तो इस तरह के एस्ट्रो टाइम्स अगर चाहिए तो आप मेरे को ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिए, आपको यहाँ पे डेली के 2 एस्ट्रो टाइम मिल जाएंगे। तो जल्दी से जिन लोगों ने तो मेरे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, ये मेरा आइडिया, ताकि आपको एक एस्ट्रो टाइम मिले और वहाँ पे एक अच्छा सा आप यहाँ पे ट्रेड मिल सके आपके टेक्निकल एनालिसिस के सेटअप के हिसाब से। चलिए अभी निफ्टी को फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निफ्टी को डेली चार्ट पे देखूंगा कि क्या देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट में जिस तरह से मैंने कहा कि ऊपर की तरफ एक जोन बनाया था निफ्टी ने, इस जोन को ब्रेक कर दिया, रेड कैंडल बना दिया, यहीं से एक बाइंग प्रेशर आया था, तो आज उसके वहां से एक सेलिंग का प्रेशर आज देखने को मिला। तो ये जो जोन है स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, देखिए कल के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग आया था मार्केट, वहीं पे सपोर्ट लिया है, तो कल एक बाउंस बैक आ सकता है। अदरवाइज 21,480, देखो 21,480 के नीचे निकलता है तब एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल सकता है। चलिए भी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अपने लेवल्स एक्टिव कर लेते हैं, लेवल्स क्या देखने को मिल रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो अप ट्रेंड चल रहा था 15 मिनट में, मार्केट ने एक साइडवेज जोन बनाया, इस साइडवेज जोन को ब्रेक करते हैं डाउन साइड की तरफ का ट्रेंड बन रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए टेक्निकली देखे तो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। ओके, पिछला वाला स्विंग है और ये कल अगर यहाँ पे 6 रेट के अबाउट सस्टेन करते हैं, यहाँ पे कोई रेंज बनाता है इसको ब्रेक करता है तब एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स द 21,720 का लेवल रहेगा। नीचे की तरफ 480 देखो, पिछली बार यही से यहाँ पे अच्छा सा बाइंग मोमेंटम आया था, तो कल आता है तो यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज इसके नीचे सस्टेन करता है तो 21,450 480 के लेवल नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो नज़र बना के रखिए, प्राइस एक्शन डाउन साइड का बन रहा है। यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूँ तो नज़र बना के रखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस ट्रेंड को ब्रेक डाउन करके यहाँ पे कोई अपसाइड का प्रोजेक्शन होता है तभी यहाँ पे कॉल साइड में सोचेंगे। अदरवाइज यहाँ पे जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए आपके चार्ट के ऊपर आप ड्रॉ कीजिए ताकि आपको पता चले। कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो कल निफ्टी का एक्सपायरी में क्या देखने को मिल रहा है, कौन से लेवल है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखिए तो ATM का जो IV चल रहा था 12.2 चल रहा था, इसकी वजह से ज्यादातर यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। इंडेक्स अगर देखे तो 14.1 चल रहा है, अच्छा सा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है मार्केट में, प्रीमियम्स बहुत महंगे। कल का 4 जान का एक्सपायरी है 21,500 के लेवल पे देखे तो 64 लाख OI और 100 तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है, और 600 का लेवल एक रेजिस्टेंस के लिए देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। सो 21,500 का जो लेवल है स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है, कल इस लेवल को होल्ड करता है कि नहीं। 21,480 का लेवल मैंने निफ्टी को बताया, इसके नीचे निकलता है तब एक डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है, और 21,600 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस के लिए वर्क करता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डेली चार्ट में देखने के बैंक निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी अगर देखें तो ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचू तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ सकती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है नहीं करता है, यहाँ से तो हैमर टाइप ऑफ कैंडल बना है, तो यहाँ पे सम हाफ कंडीशन अगर देखे तो यहाँ पे बायर सेक्टिवेट आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तभी एक मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं प्राइजेक्शन क्या बिल्डअप हो रहा है। जिस तरह से अगर यहाँ पे प्राइजेक्शन को अच्छी तरह से आप देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट में क्या, जिस तरह से मैं बोला था कि अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे जोन बना है, इस जोन को ब्रेक डाउन करके डाउन साइड की तरफ जा रहा है। कल रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 48,050 47,950, यहाँ पे जाके कोई रेंज बना के अगर नीचे की तरफ आता है तो एक डाउन साइड का प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन 48,050 के नियर बाय यहाँ पे कोई रेंज बना के ऊपर की तरफ का मोमेंटम देता है तो 48,230 और 48,450 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से प्राइजेक्शन को आप अच्छी तरह से देखें तो प्राइजेक्शन जो देखने को मिल रहा है वो डाउन साइड का देखने को मिल रहा है। देखो प्राइजेक्शन डाउन साइड का देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 48,050, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके अगर फॉल आता है तो बेस्ट फॉल रहेगा।
मेजरली फॉल तब आएगा जब 47,450, देखो 47,450 के नीचे निकलेगा तो 47,200 और 47,000 की लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हो। तो नजर बना करके 47,450 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी था, अगले एक्सपायरी का अपन डेटा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। क्या देखने को मिल रहा है, 47,800 के लेवल पे यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉल रेटिंग पुट रेटिंग ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा है, 1 लाख का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 48,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और 47,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, तो इस रेंज के अंदर कल मार्केट ट्रेड कर सकता है 48,000 एंड 48,500। तो नजर बना के रखे, 48,000 का रेजिस्टेंस है और 47,500 का एक सपोर्ट देखने को फिलहाल के लिए तो देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। उसके बाद में फिर निफ्टी को देखेंगे, फिर निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है, डेली कैंडलस्टिक में फिर निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर निफ्टी के बारे में आपको एक चीज़ बताया था कि फिर निफ्टी फॉर्मेशन क्या कर रहा है, एम टाइप ऑफ फॉर्मेशन कर रहा है। जब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब ये शार्प सेलिंग का मोमेंटम यहाँ पे फिर निफ्टी में देखने को मिल सकता है, वो नजर बना के रखें। 50 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखें, इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा देता हूँ, प्रोजेक्शन क्लियर देखने को मिल रहा है। क्या क्लियर देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड था, साइडवेज बना, ब्रेक किया, परफेक्टली रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जा रहा है। अभी आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ मैं, चलिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, देखो फिर निफ्टी में जो भी ट्रेड करते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल समझो इस रेंज में ओपन होकर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर देते हैं, यहाँ पे कोई रेंज बना के जब ब्रेक करेगा तभी अपसाइड का मोमेंटम रहेगा, अदरवाइज आज यही से सेलिंग आया तो ये रेजिस्टेंस होने, इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं रहेगा, ऊपर की तरफ जाता है तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे नजर बना के रख सकते। शार्प सेलिंग मतलब यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर कोई सेलिंग आती तो 21,180, देखो 21,180 का लेवल है यहाँ पे, इस लेवल के नीचे निकलता है तभी डाउन साइड का मोमेंटम आएगा। सर बोले आप बोलेंगे सर 180 का लेवल क्यों लिया, यहाँ से देखो किस तरह के स्पाइक्स है तो यहाँ पे बाइंग मोमेंटम जनरेट हुआ है, जब ये पिछले वाला लो वगैरह ब्रेक होगा तभी यहाँ पे फिर निफ्टी में डाउन साइड का 21,050 का टारगेट तक यहाँ पे डाउन साइड की तरफ आ सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो जब भी ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस शो करता है, फिर निफ्टी देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी के लिए लेवल्स अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अगर 21,300 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे कॉल और पुट साइड में सेम हुआ है, ऊपर की तरफ 400 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ 300 का सपोर्ट है। तो नजर बना करके 21,400 रेजिस्टेंस है, 21,300 फिलहाल के लिए अभी तो सपोर्ट के लिए देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के मैंने लेवल्स आपको बता दिए, आप ये लेवल्स आपके चार्ट के ऊपर डाल दीजिए और एक अच्छा सा मोमेंटम आप कल के लिए कैच कर सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।